नमस्कार, मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल कमल गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश आज दोपहर की फटाफट 10 बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए कुछ खबरें, मिलेगा इस बीमा योजना का लाभ। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। अब दुग्ध उत्पादक किसानों के लिए सांची चिकित्सा बीमा योजना का लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा स्वीकृत इस योजना में दुग्ध प्रदायक सदस्यों एवं उन पर आश्रित 3 परिजनों को लाभ दिया जाएगा। परिजनों में पति या पत्नी और 3 माह में 25 वर्ष तक की आयु के 2 बच्चे शामिल है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा दुग्ध समितियों के सदस्यों और उनके परिवारों के लिए सांची चिकित्सा सहायता बीमा योजना स्वीकृत की गई है। योजना में दुग्ध प्रदायक सदस्यों और उनके आश्रित परिजनों को सामान्य बीमारी के उपचार के लिए 1,00,000 रुपये और गंभीर बीमारियों के लिए 2,00,000 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष बीमा राशि का प्रावधान है। बीमा राशि का भुगतान न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किया जाएगा। योजना में दुग्ध प्रदायक सदस्यों एवं उन पर आश्रित 3 परिजनों को लाभान्वित किया जाएगा। परिजनों में पति या पत्नी और 3 माह से 25 वर्ष की आयु के 2 बच्चे शामिल है। भोपाल में जनजातीय महासम्मेलन में आने वाली बसों से नहीं लिया जाएगा टोल टैक्स। आपको बता दें, बिरसा मुंडे की जन्मतिथि, जनजातीय गौरव दिवस, आनंद के प्रकटीकरण का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महासम्मेलन में जनजातियों के विकास और कल्याण के लिए आरंभ किए जा रहे कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे। इसमें शामिल होने के लिए आने वाले वाहनों से कहीं भी टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। दूर से आने वाली बसों में मैकेनिक भी साथ रहेंगे ताकि रास्ते में किसी प्रकार की कोई परेशानी न आए। वही बसों के साथ एम्बुलेंस भी चलेगी। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कलेक्टर, कमिश्नर, IG, पुलिस अधीक्षक के साथ जनजातीय दिवस की तैयारी को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई समीक्षा में कही। उन्होंने कहा कि विभिन्न जिलों से आने वाले जनजातीय भाई बहन हमारे अद्वितीय भोपाल की परंपरा के अनुसार सम्मान और सत्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि यह सर्वोच्च प्राथमिकता वाला कार्यक्रम है, इसकी तैयारी में कोई कसर न छोड़े। दूर से आने वाले वाहनों के साथ कोई परेशानी न आए, इसकी चिंता करें। MP बोर्ड परीक्षा 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए परीक्षा पर आई बड़ी अपडेट। आपको बता दें, मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार MP बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए सैद्धांतिक परीक्षा 12 फरवरी 2022 से शुरू होगी। परीक्षा 20 मार्च 2022 तक जारी रहेगी। राज्य बोर्ड कक्षा 10 के लिए व्यवहारिक परीक्षाओं के कार्यक्रम की भी घोषणा करेगा। 12 जो 13-31 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें, MP बोर्ड परीक्षा वर्ष 2021-22 के लिए 10वीं 12वीं की थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षा डिप्लोमा इन प्री वोकेशनल स्कूल एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग लेटर 12 फरवरी 2020 से आयोजित किया जाएगा। MP बोर्ड ने भी इस साल परीक्षा पैटर्न बदलाव की घोषणा की है। बोर्ड ने कहा था कि परीक्षा 30% कम किए गए पाठ्यक्रम पर आयोजित की जाएगी। इसके अलावा उत्तर की लंबाई को कम करने के अलावा हर परीक्षा में कम से कम 30% MCQ होंगे। इसलिए ये कहना सुनिश्चित है कि आगामी बोर्डों में कोई लंबे समय के प्रश्न नहीं होंगे। छात्रों को 125 से 150 शब्दों में उत्तर लिखने होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित उच्चतम अंक 4 होंगे। मध्य प्रदेश में बिकेगा अब सबसे महंगा दूध, 150 रुपये लीटर होगी कीमत। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सांची दुग्ध महासंघ अब बाजार में बकरी का दूध बेचने जा रहा है। 150 रुपये प्रति लीटर बिकने वाले इस दूध की लॉन्चिंग जनजातीय गौरव दिवस से होगी। बकरी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए आदिवासियों की सहकारी समितियां भी बनाई जा रही है। आपको बता दें, अक्सर प्लेटलेट्स की कमी होने पर डॉक्टर बकरी का दूध पीने की सलाह देते हैं। औषधीय गुणों से भरपूर बकरी के दूध को अब राज्य सरकार ही बेचने का काम करेगी। मध्य प्रदेश सांची दुग्ध महासंघ के इंदौर और जबलपुर डिपो से इसकी शुरुआत होने जा रही है। 15 नवंबर से इसका विधिवत विक्रय शुरू होगा और इसकी शुरुआत कीमत 150 रुपये लीटर रखी गई है। सांची महासंघ ने अभी बकरी का दूध एकत्र शुरू करना प्रारंभ कर दिया है। वहीं मध्य प्रदेश के बालाघाट, सिवनी, झाबुआ और बड़वानी जिलों से बकरी का दूध इकट्ठा किया जा रहा है। फिलहाल इसे कांच की बोतल में बेचे जाने की योजना है। 5 दिन में 38 नए केस, 9 फिर पॉजिटिव, भोपाल इंदौर बढ़ा रहे हैं चिंता। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार फिर तेज हो गई है। 12 नवंबर 2021 को 9 नए पॉजिटिव मिले हैं और 11 मरीज स्वस्थ होकर घर पहुंचे, जिसके बाद एक्टिव केसों की संख्या 74 पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में संक्रमण दर 0.01% के साथ रिकवरी रेट 98.60% हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इंदौर, भोपाल में लगातार मामले मिल रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। आपको बता दें, शुक्रवार को आई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में प्रदेश में 9 नए केसों में इंदौर में 2, भोपाल में 4, अनूपपुर में 2 और बालाघाट में 1 केस मिला है। इस दौरान 7,880 जांच की गई है और 1594 फीवर क्लिनिक एक्टिव है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।